नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़िया। इधर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कंगारू टीम के दिग्गज गेंदबाज पीटर सिडल ने संन्यास की घोषणा करके सबको चौंका दिया है। आपको बता दें कि सिडल ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाजों में शामिल थे, लेकिन अब सिडल की फॉर्म काफी खराब चल रही थी, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के लिए 11 साल तक खेलने वाले तेज गेंदबाज पीटर सिडल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 35 साल के सिडल ने अपना आखिरी टेस्ट मैच इस साल एशियस में खेला था। वो इन दिनों न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम में शामिल किए गए थे, लेकिन बॉक्सिंग डे टेस्ट के दौरान उन्होंने संन्यास लेने की खबर पहले कोच जस्टिन लैंगर को दी और फिर बाद में टीम के बाकी खिलाड़ियों को बताया। अपने संन्यास पर बात करते हुए सिडल ने कहा, ये जानना हमेशा कठिन होता है कि सही समय कब है, लेकिन टीम के साथ एशेज पर जाना, पार्टी करना और खेलना और इसका हिस्सा बनना ही मेरा अहम लक्ष्य था। आपको बता दें कि सिडल को टेस्ट का शानदार गेंदबाज माना जाता था। कई मौकों पर सिडल ने अपनी शानदार गेंदबाजी की बदौलत कंगारू टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। सिडल ने 67 टेस्ट मैचों में 30.66 की औसत से 221 विकेट लिए थे, जिसमें उन्होंने 8 बार 4 विकेट और 8 ही बार 5 विकेट लेने का कारनामा किया है। तो वहीं 20 वनडे मैचों में उन्होंने 19 विकेट अपने नाम किए हैं।